हाँ जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। फैक्टर ट्री आपने किस तरीके से बनाना है, यानी कंप्लीट करना है फैक्टर ट्री को। यहाँ पे 96 है, आपने इस पर फाइंड आउट करना है कि इन जो सर्कल्स हैं इनमें कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इनके फैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब यहाँ पे देखें, 2 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब आपने 2 के साथ जब किया है तो इसका आंसर 48 आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 48 लिख दूंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या है, 48 को फिर मैंने 2 के साथ किया है, ये मैंने 2 के साथ किया है तो 24 आया है। अब 24 को मैंने फिर यहाँ पे 2 के साथ किया है तो मेरे पास आंसर 12 आया है, ठीक है। फिर मैंने 12 को 2 के साथ किया है तो इसका आंसर 6 आया हुआ है। फिर मैंने 6 को 2 के साथ किया है तो इसका आंसर 3 आया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपने जस्ट ये करना है कि ये फैक्टर निकाल लेने हैं, और जैसे उन्होंने सीक्वेंस बताया होगा उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो जो फैक्टर्स होंगे उनकी पुटिंग करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है जिसके आप डिवाइड कर रहे होंगे, और यहाँ पर वो नंबर आएगा जो इसका आंसर आएगा। यानी 2 को जब मैंने इस पे 96 पे डिवाइड किया तो आंसर 48 आया, तो मैंने यहाँ 48 लिखा है। फिर 48 को अगेन मैंने 2 पे 2 से किया है, जब मैंने 2 से किया तो इसका आंसर ये आया। मतलब कि ये जो सारे होंगे ये फैक्टर होंगे, और ये वाले वो सारे होंगे जो इनके ये वाले आंसर होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक हो गया। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हाँ जी, अब मैं इसी तरीके से आपको एक और करके दिखाती हूँ जो कि मेरे पास है 30, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि 30 का उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपने इसको 5 से करना है। 30 है, मैंने इसको 5 से करना है। 5 6 30 हो जाता है, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 3। अच्छा, अगर तो उन्होंने गिवन दिया होता है तो फिर तो आपने उसी से करना होगा, और अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो फिर आपने 2 से शुरू करना होगा, ठीक है। अब 5 के साथ दिया था, 5 को मैंने 30 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर 6 आया है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब देखें, 6 को मैंने कौन से फैक्टर्स के साथ किया है, 2 के साथ, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 के साथ किया है इसको तो इसका आंसर 3 आ गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें 72 है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, 72 है, 72 के हमने फैक्टर निकाल लेने हैं। सबसे पहले ये 72 मैंने लिख दिया। अब मैं इसके फैक्टर आपको निकाल के दिखा देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसका ट्री आपने कैसे मुकम्मल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 मैंने लिखा है, मैं इसको अब यहाँ पे देखिए, कोई इन्होंने नंबर नहीं दिया, मैं जस्ट इसको शुरू से ही यानी कि 2 के से ही स्टार्ट ले लेती हूँ। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने 72 को 2 पिक किया है, 2 3 6, और ये 36 इसका आंसर आया है, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने क्या किया है कि 36 को फिर मैंने किससे किया है, 2 के साथ किया है तो इसका आंसर 18 आया है। फिर 18 को मैंने 2 के साथ किया है तो इसका आंसर मेरे पास 9 आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 एंड 2। हाँ जी, यहाँ पे देखें कि जब मैंने 2 को इसके साथ किया तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। इस सब को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास 72 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो 9 तक सिर्फ बनाने हैं। आप चाहें तो आप इसको नेक्स्ट जो 9 है इसको भी मुकम्मल कर सकते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं और यहाँ पर भी 3 करते हैं तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा, ये आपका फैक्टर मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनके फैक्टर ट्री बना लेने हैं और फिर इसको आपने सॉल्व कर लेना है। हाँ जी, इस तरीके से हमने इसके फैक्टर ट्री फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमने जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर आएंगे फिर आपने उसका देखना होगा कि इसका आपके पास फैक्टर क्या बन रहा है। जिस तरह ये 72 है तो इसका फैक्टर 2 और 36 बन रहा है। अब ये 2 था, 2 का फैक्टर हमारे पास क्या बनता है कि 2 एक 2 बनता है और एक 1 बनता है, जबकि 36 का फैक्टर जो 2 है और 18 बनता है, 18 का जो फैक्टर है वो 2 और 9 बनता है, ठीक है। अगर आपके पास इतने तक गिवन होगा तो आप इतने तक करेंगे, अगर खुद बनाना होगा तो फिर आप ये वाला भी शामिल इसमें कर देंगे, ठीक है।